दही में चढ़ाते हैं, इसको दही बोलते हैं। ये छम्मा दही जो तू कदेला उत कसाई, ऐसे कहते हुए जाना है। फूल देगा त्यौहार आज। अरे सब लोग कहते हो आओ फूल दे छम्मा दे। ये हमारा लोक पर्व फूलदेई का त्यौहार है आज उत्तराखंड का, जिसमें सारे बच्चे गांव घूम के घूमते हुए फूल की टोकरी और चावल गुड़ लेने के लिए हर घर घर में जाते हैं। फूलदेई कहते हो और फूलदेई और नए नए कपड़े पहन के आते हैं। आज वीडियो बनाओ शर्म लगती है, थोड़ा मस्ती वाला भाई, थोड़ा बल्ली वाला भाई। और दही में फूल चढ़ाते हैं इसलिए फूल दही बोलते हैं। फूल ये दही में चढ़ाते हैं, इसको दही बोलते हैं। ये द्वार जो होता है और अरे ये वाले घर में ना चढ़ाओ, इधर वाले में, इधर वाले इसमें भी याचू आयो याला छियो याला फूल चढ़ाओ। पार बेखे में बड़े जल्दी आएगी यार, जोर जोर को रहे फूल दे कड़ा नहीं लौट को शरे मार यार। और तुम पार बेखे में जो अक्षय वो गुलते आगू इंतजार करो, वहाँ अल्लाह झोड़े नहीं भी जाए जो खसन में आएगी। चलो गुलते आगू अल्लाह झोड़े नहीं रे झोड़, आज से झोड़ो 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 की शुरुआत हो जाती है। आज मनाया जा रहा है फूलदेई का त्यौहार, जिसमें बच्चे अपने फूल की थाली लेकर और कटोरियां चावल गुड़ मांगने के लिए आते हैं। फूलदेई छम्मा दही को फूलदेई छम्मा दही बोलते हुए एक कटोरी में गुड़ भी रखो। एक कटोरी में गुड़ रखो, डालने डालने जाने वाला इस कटोरी में। फूल दे तो कड़ा नहीं रात में खाली। फूल दई छम्मा दई जो तू कदेला उत कसाई, ऐसे कहते हुए जाना है। भूगा माता फूलदेई महोत्सव, यह त्योहार प्रति वर्ष
चैत्र मास की संक्रांति को अर्थात मार्च महीने के मध्य उत्तराखंड के गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों ही मंडलों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। बसंत के दौरान जब पहाड़ों पर भुरास और फ्योली के फूल खिले रहते हैं और खिले खिले रहते हैं बच्चों के चेहरे, तब पूरे इलाके की खुशी के लिए मनाया जाता है फूलदेई त्योहार। फूलदेई के दिन बच्चे सुबह सुबह उठकर फ्योली, बुरांस, पहिया पाती आदि फूल इकट्ठा करते हैं और गांव के घर की देहली यानी मुख्य द्वार पर रखकर बच्चे उस घर में खुशहाली की मन्नत मांगते हैं। कुछ स्थानों पर यह पर्व एक महीने तक मनाया जाता है और कुछ स्थानों पर एक दिन, कुछ स्थानों पर तीन दिन और कुछ स्थानों पर आठ दिन तक मनाया जाता है एवं कुछ स्थानों पर फूलदेई समारोह का आयोजन कराया जाता है जिसमें बच्चे बड़ी मात्रा में प्रतिभाग लेते हैं। Bye.